हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द ऑप्शन स्ट्रेटजिस्ट। एंड यस गाइस, आपने सही पढ़ा और सही सुना है। अब से गोइंग फॉरवर्ड 14th अक्टूबर के बाद से देर विल बी टू वीकली एक्सपायरीज। यस, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो टू वीकली एक्सपायरीज कैसे हैं और हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट्स सम गुड न्यूज़ फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स एंड नाउ यू विल हैव टू वीकली एक्सपायरीज एंड ऑप्शन। सो वन वीकली एक्सपायरी जो आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑलरेडी है विच इज़ थर्सडे, दी अदर वीकली एक्सपायरी विल बी ऑन ट्यूजडे। चलिए देखते हैं वो क्या है। उससे पहले गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग अवर वीडियोज। ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। एंड मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट अबाउट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन के बारे में क्या क्या इशूज हो सकते हैं, अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स, मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। सो प्लीज गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ऑल्सो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब अवर टेलीग्राम चैनल द ऑप्शन स्ट्रैटेजिस्ट। एंड इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने लाइव ट्रेड्स देखिए अपडेट करता रहता हूँ आपको रियल टाइम में। सो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें एंड मेरे लाइव ट्रेड्स विद एडजस्टमेंट एंड आप यहाँ से पता कर सकते हैं। सो गाइज, ये जो वीकली एक्सपायरी है, चलिए मैं बताता हूँ आपको ये क्या है। सो गाइज, 15 सितंबर को एनएससी ने एक सर्कुलर इशू किया है। उस सर्कुलर में ये दिया है, जो एनएससी का फाइनेंशियल निफ्टी, जो फिन निफ्टी करके इंडेक्स है, जो निफ्टी का फाइनेंशियल फिन निफ्टी जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है, वो अब से, जिसमें आपका एफएनओ ट्रेडिंग जनवरी में स्टार्ट हुआ था इस साल 2021 में, अब उसके जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वीकली वाले, वो वीकली के कॉन्ट्रैक्ट्स अब ट्यूसडे एवरी वीक होंगे, ना कि थर्सडे। और मंथली एक्सपायरी भी उसकी अब लास्ट थर्सडे की वजह लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ होगी। सो आप जो फिन निफ्टी में है, आप ट्यूसडे को एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं। गाइज, मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को एक्सपायरी ट्रेड करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ज़्यादातर ऑप्शन प्रीमियम्स उस दिन ज़ीरो हो जाते हैं एंड स्पेशली द ऑप्शन सेलर्स, और जो ऑप्शन बायर्स भी हैं वो भी जीरो टू हीरो ट्रेड या फिर गामा इफेक्ट से जो ऑप्शन के प्राइसेस दो दो रुपए से 20 रुपए हो जाते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स, उन लोग के लिए भी इट्स अ गुड न्यूज़। नाउ आप थर्सडे को ट्रेड कर सकते हैं एक्सपायरी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वीकली, एंड ट्यूसडे को आप वीकली एक्सपायरी कर सकते हैं फिन निफ्टी में। ये फिन निफ्टी देखिए इस समय अराउंड 18,630 पे फाइनेंशियल निफ्टी है। सो ये फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी इज मेड अप ऑफ 20 स्टॉक्स जो आपके बैंक्स, NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, स्टॉक, ये उनसे मिलकर बना है। अब अगर फ्रेंड्स आप मुझसे पूछेंगे इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्यों ये थर्सडे से इसकी जो एक्सपायरी है चेंज करके वो ट्यूसडे की गई है, सो उसका गाइस सिंपल लॉजिक है। चलिए मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। इसके लिए लोग बोल रहे हैं कि ये गलत स्टेप है, अच्छा नहीं किया, या क्या रीज़न है। गाइस, कुछ भी क्रिटिसाइज करने से पहले प्लीज़ उसके पीछे का लॉजिक समझिए। सो ये देखिए, ये एनएससी की निफ्टी की ऑप्शन चेन है, राइट? ये ऑप्शन चेन में अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे, ये आपको मैं एट द मनी के भी जो वॉल्यूम्स हैं, आप ये वॉल्यूम्स देखिए, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स गाइस, ये 30th सितंबर में का जो मंथली एक्सपायरी और अभी करंट वीकली एक्सपायरी भी है उसमें अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, सो इतने हेल्दी वॉल्यूम्स हैं इसमें, एंड दीज आर लॉट्स, ये लॉट्स के वॉल्यूम्स हैं। अब जो नया एनएससी का ऑप्शन चेंज डेटा आता है, सो आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए 50 से, सो दैट इज़ द एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट वॉल्यूम्स दैट यू विल गेट। सो इतना हेल्दी वॉल्यूम जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आता है, बैंक निफ्टी में तो और भी ज़्यादा है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि फिन निफ्टी में क्या वॉल्यूम्स हैं। फिन निफ्टी में 30th एक्सपायरी के आप वॉल्यूम्स देखिए गाइस, एट द मनी पे भी कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, राइट? ये देखिए वॉल्यूम्स, सो अभी बहुत ही पुअर वॉल्यूम्स हैं फिन निफ्टी में, एट द मनी फिन निफ्टी में तो कुछ भी वॉल्यूम्स नहीं है। और ये ज्यादातर जो निफ्टी से लोग हेज करते हैं, बिकॉज निफ्टी इस रेंज में है, इसलिए यहाँ पे ये वॉल्यूम्स आपको थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ दिख रहे हैं फिन निफ्टी में। सो गाइस, फिन निफ्टी को
एनएससी ने क्या करा है कि वॉल्यूम्स जो अभी एक्सपायरी डे पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड होते हैं एक ऑन अ एक्सपायरी डे, उस एक्सपायरी डे को अगर वो थर्सडे पे, बिकॉज थर्सडे पे ही फाइनेंशियल निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी से कम्पीट करता है एक्सपायरी पे, सो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम आ ही नहीं पाता है। बट अगर इस एक्सपायरी को वो ट्यूजडे कर देंगे, राइट, सो क्या होगा, आपको एक और दिन मिल गया, अब एक और एक्सपायरी मिल गई वीक में, आप वो अपनी एक्सपायरी ट्रेड्स आप फिन निफ्टी में भी ले सकते हो एंड इस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम्स धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अब मूव तो बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर उस एक्सपायरी पे आप इसको चेंज कर दोगे और एक्सक्लूसिव एक्सपायरी हो जाएगी वीकली फिन निफ्टी की, सो वहाँ पे चांसेस क्या है कि वॉल्यूम बढ़ सकते हैं, बट धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेंगे, क्योंकि अभी देखिए जो ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लोगों के, वो सारा वॉल्यूम तो यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा, बट हाँ स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें वॉल्यूम्स पिक कर सकते हैं, बिकॉज आपको ट्यूसडे अगर आप एक ट्रेड लेते हो मंडे और ट्यूसडे को एक्सपायरी डे आप ट्रेड कर सकते हो इजिली फिन निफ्टी में भी, करेक्ट गाइस। सो मेरे हिसाब से अ वेलकम मूव फ्रॉम एनएससी, बिकॉज इतने टाइम से बिकॉज ऑफ मार्जिन रूल्स, फ्री ट्रेड्स और काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि नेगेटिव न्यूज़ ही आ रही थी फॉर रिटेल ट्रेडर्स, बट दिस इज अ गुड मूव बाय एनएससी and we can see volumes going up in fin nifty and आप देखोगे ये 14th October से के बाद से start होगा, introduced from 14th October end of day, यानी उसके बाद जो weekly expiry है वो Tuesday को होगी, right guys? So let's see कि कैसा रहता है volumes इसमें, but अगर ये nifty, अगर NSE इसको नहीं करता तो आई एम श्योर फिन निफ्टी में फिर वॉल्यूम्स नहीं आ पाते और इसका भी वही निफ्टी आईटी जैसा होता कि जहाँ पे आपके ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बंद करने पड़ते बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम। सो गाइज इट्स अ गुड मूव, लेट्स सी हाउ इट गोज, बट आई वुड से समथिंग गुड फॉर द रिटेल ट्रेडर्स, नाउ यू कैन हैव टू एक्सपायरीज इन वन वीक एंड यू कैन मेक मोर मनी और मेक प्रॉफिट। सो गाइज अगर आपको देखना है कि एक्सपायरी डे के लिए कैसे ट्रेड करें, सो आप ये लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हो, इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप बहुत इजीली एज अ बिगनर कैसे एक एक्सपायरी पे आप ट्रेड कर सकते हो, और कुछ लोगों ने इसको फॉलो भी करा इस एक्सपायरी पे और आप कमेंट्स में देखोगे उन्होंने अपने प्रॉफिट्स भी शेयर करे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ये जो एनएससी का सर्कुलर है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से आप इसको देख सकते हो। Okay, thanks for watching. Have a nice day.